Hi guys, welcome back to my channel Your Beauty Room. So friends, today's video is class 13 video and already we have completed class 12. This is class 13 video जिसमें मैं आज आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ that how you can apply nail tips before doing nail extensions. Nail कैसे prepare करना है वो मैं आपको already दिखा चुकी हूँ अपनी previous videos में. सो आज की वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि आपको नेल टिप्स को कैसे स्टिक करना है नेल्स पर एंड हाउ यू कैन मर्ज देम. सो नेल प्रिपरेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज वेल एज हाउ यू स्टिक द नेल टिप्स इज ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आप लोग को दिखाया है दैट हाउ यू कैन प्रिपेयर द नेल्स, देन यू कैन डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो कि आप अपने नेल्स को कैसे प्रिपेयर करें बिफोर डूइंग द नेल एक्सटेंशंस. लिंक भी आपको कार्ड में मिल जाएगा. सो यहाँ पर मैं नेल प्रिपरेशन का ऑलमोस्ट हाफ पार्ट कंप्लीट कर चुकी हूँ. आई हैव यू नो कट डाउन द क्यूटिकल्स, आई हैव रिमूव द नेचुरल शाइन ऑफ द नेल, आई हैव यू नो शेप्ड द फ्री एज ऑफ द नेल. नाउ मैंने सबसे पहले लगाया था डिहाइड्रेटर एंड अभी जो मैं अप्लाई कर रही हूँ वो मैं लगा रही हूँ प्राइमर. सो डिहाइड्रेटर एंड प्राइमर लगाने के बाद हम लोग नेल्स को स्टिक करेंगे. नेल्स स्टिक करने से पहले आपको उनका मेजरमेंट लेना होता है. सो वंस यू हैव टेकन द मेजरमेंट ऑफ द नेल्स इट इज़ वेरी इजी. आपको सिर्फ ये देखना है कि नेल दोनों साइड वॉल से मैच्ड होना चाहिए, लाइक फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड्स नेल प्रॉपरली यू नो आपके साइज का होना चाहिए, आपके नेचुरल नेल के साइज की नेल टिप होनी चाहिए. That's all. So यहाँ पर मैंने ली हैं हाफ कवर नेल टिप्स. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आई लव दीज टिप्स. इसमें जो लॉकिंग एरिया है आपको पहले उस पर ग्लू लगाना है एंड देन आपको नेचुरल नेल पर भी हाफ नेल पर ग्लू लगाना है बिकॉज हमारी ये टिप हाफ नेल में लॉक होकर स्टिक होगी. सो जब हम यू नो अपने नेचुरल नेल पर भी और नेल टिप पर भी ग्लू लगा सो ग्लू बहुत अच्छे से वर्क करता है एंड जो नेल टिप है वो बहुत अच्छे से स्टिक रहती है. काफ़ी लंबे टाइम तक आपकी नेल टिप स्टिक रहती है एंड ऑफ कोर्स वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है जब आप इसको इस तरीके से अप्लाई करते हो तो नेल टिप का एप्लीकेशन काफ़ी स्ट्रांगली हो जाता है. तो अभी नेल टिप आपको जब आप इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे उसके बाद यू हैव टू प्रेस इट फॉर अ वेरी गुड 20 to 30 seconds. और जो भी एक्स्ट्रा ग्लू होगी वो आप हैंड टू हैंड वाइप की हेल्प से रिमूव करते रहेंगे. देन अगेन आपको सेम तरीके से एग्जैक्टली सेम तरीके से सारे नेल्स पर नेल टिप्स को लगाना है. सबसे पहले आपको ग्लू लगानी है लॉकिंग एरिया में ऑन द नेल टिप एंड उसके बाद आपको थोड़ी ग्लू लगानी है नेचुरल नेल पर यानी कि हाफ नेचुरल नेल पर. आपको पूरे नेल पर ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं है अदरवाइज वो यू नो आपके नेल की जो हमने शाइन रिमूव की है एंड ऑल द प्रोसेस विच वी डिड उसको भी वो मैसअप कर देगा. सो आप अगर यहाँ देख पा रहे हैं तो सबसे पहले आपको नेल टिप को लॉक करना है एंड देन यू हैव टू प्रेस इट. लॉक एंड प्रेस दिस इज द मेन फंडा इन अप्लाइंग नेल टिप्स. आपको उसको पहले लॉकिंग एरिया में लॉक करना है एंड देन आपको प्रेस करना है. बस इतने आसान तरीके से नेल टिप लग जाती है और जब आप इस तरीके से लगाएंगे तो डेफिनेटली आप एक डिफरेंस देखेंगे कि आपके नेल्स जो बहुत लोगों को शिकायत होती है कि नेल्स बहुत जल्दी निकल जाते हैं उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका नेल टिप प्रॉपर नहीं लगा है. जब हम नेल टिप लगाते हैं तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि नेल टिप हमेशा स्ट्रेट लगनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि नेल आपका स्ट्रेट है नेचुरल नेल एंड आपने नेल टिप को थोड़ा यू नो टेढ़ा लगा दिया है या थोड़ा सा साइड से लगाया. नो, नेल टिप अगर स्ट्रेट होगी तभी नेल प्रॉपर नेल स्ट्रेट आएगा. इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है. बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स नेल टिप्स को इधर उधर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगाते हैं सो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू. सेम तरीके से आपको नेल टिप लगानी है अपने नेचुरल नेल्स पर या क्लाइंट के नेचुरल नेल्स पर. लॉकिंग एरिया में ग्लू लगाना है एंड देन उसके बाद आपको नेचुरल नेल पर ग्लू लगाना है एंड देन आपको उसमें लॉक करना है.
आफ्टर अप्लाइंग टिप्स, आपको क्लाइंट के अकॉर्डिंग, उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग आपको टिप का साइज कट करना है विद द हेल्प ऑफ टिप कटर। सो टिप कटर की हेल्प से आपको जितना भी साइज, जितना लंबा आपके क्लाइंट को रखना है नेल, जितना छोटा आपके क्लाइंट को नेल रखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको टिप्स को कट करना है। आपको एक बार चेक कर लेना है कि ऑल द टिप्स आर इक्वल और नॉट, सारे टिप्स की लेंथ बराबर है या नहीं। अगर आपको लगता है कोई टिप बड़ी है कोई छोटी है, तो आप उसको दोबारा प्रॉपर कट करें। एंड देन जब आपने टिप्स को कट कर लिया है प्रॉपर साइज में, जितना लेंथ क्लाइंट को चाहिए, देन आपको विद द हेल्प ऑफ दिस एम्ब्री बोर्ड, या आप बोल सकते हो फाइलर, नेल मैनुअल फाइलर, नेल फाइलर, या फिर आप इसको बफर भी बोल सकते हो, बफर की हेल्प से आपको टिप्स को मर्ज करना है एंड प्रॉपर शेप देना है। जो भी शेप क्लाइंट को चाहिए वो शेप आपको देनी है। So after you know merging the nail tip into the natural nail, उसके बाद जो last step रहता है वो रह जाता है फिर dehydrator and primer लगाने का before applying the product. So इसके बाद सीधे आपको you know एक बार final touch देने के बाद आपको जब proper लगे कि हाँ tips proper merge हो गई हैं। So guys that was all for today's video. अगर आपको इस video से related कोई भी doubt है अभी भी, so you can definitely ask me in comment down below. There are so many people who are calling me and asking me कि मैम हमें ये स्टेप नहीं आ रहा है, हमको वो स्टेप नहीं आ रहा है। So guys, I'm really really sorry that I cannot help you on phone or on a video chat. Reason being, I am taking online classes also. So it will be very unfair for those students who are taking online classes from me. अगर आपको you know classes already YouTube पर चल रही हैं, अगर आपको कोई भी doubt है तो आप YouTube से
यहाँ से मेरे चैनल से रेफरेंस ले सकते हैं. बट अगर आप कॉल करके या वीडियो कॉल करके मेरे से अपनी क्वेरीज सॉल्व कर रहे हैं, सो दैट थिंग आई विल नॉट एंटरटेन. जो मैंने नंबर डाला है दैट इज़ ओनली फॉर द इंक्वायरी पर्पस, फॉर टेकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस. एंड मैं उस तरीके से आप लोग की हेल्प नहीं कर पाऊँगी. बहुत सारे लोग प्रोडक्ट की नॉलेज लेते हैं कॉल करके, एंड देन यू नो बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम ये स्टेप में प्रॉब्लम हो रहा है, वो स्टेप में प्रॉब्लम है. आई कैन नॉट सॉल्व ऑल दीज क्वेरीज ऑन फोन. सो बिकॉज अगर आपको डीपली कोर्स को समझना है, अगर आपको डीपली ही सीखना है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर माई ऑनलाइन क्लासेस. ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप मेरे को डेफिनेटली इंक्वायरी डाल सकते हैं, जो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. So I hope you like this video. If you like, then definitely give me a big thumbs up. Do subscribe to my channel and do follow me on my Instagram. मैं आपको मिलूंगी अपनी एक और नई वीडियो में अपनी नई क्लास के साथ. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. Take care and bye bye.